नया दिन, एक और नई चरनी। सो स्वागत है आपका इन किसी ब्लॉग्स में। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन। तो आज हम जा रहे हैं श्री श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो बने रहे ब्लॉग में। अपने जैसे पिछले ब्लॉग में देखा श्रीनगर घूमने के बाद, तो बीच में हमें इतना ज़्यादा और इतना लंबा ट्रैफिक जैम मिला कि भाई क्या बताएं। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई कहाँ फंस गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे जो था वो बंद हो गया था, मतलब टोटली बंद। और इतना ज़्यादा गूगल मैप पे भी उस पर रेड रेड दिखा रहा था। अब जाके ठीक हुआ है वो। वैसे तो खुल गया था 12 बजे। बंदा कहीं फंस जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। अब ये नहीं समझ आ रहा था कि भाई हम जाएं तो जाएं कहाँ, कि मतलब मुसीबत के टाइम कोई ना कोई हल निकल ही आता है। तो वैसे ही हमें एक अंकल मिले जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी, और गाँव के रास्ते से उन्होंने हमें एक होटल पर पहुँचाया। सेफ लोकेशन थी काजी कुंड, जो कि 3 किलोमीटर था वहाँ से। तो होटल लिया हमने, उसके बाद यहाँ पे रेस्ट वगैरह करी है। अभी मॉर्निंग में पूरा फ्रेश होके निकल रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है 6:25, तो अराउंड 7 या फिर 7:20 तक हम निकल लेंगे। वैसे तो कोशिश करेंगे जल्दी निकलने, क्योंकि अभी जो रिसेप्शन पे बंदा है कोई नहीं है, तो जस्ट हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि कोई आ जाता है तो हम निकलें यहाँ से। रोड अपडेट भी इसी व्लॉग में आपको मिल जाएगा। और जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे रास्ता बंद हुआ था वो है रामसू, जो कि श्रीनगर जम्मू हाईवे के बीच में पड़ता है कहीं पे, रामबन के पास। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से, तो दिखा देंगे आपको स्टेटस क्या है रोड का। वैसे तो ट्रैफिक मतलब काफ़ी ज़्यादा था, 2-3 जगह उन्होंने रोक रखा था। हम क्योंकि गूगल मैप से ही पूरा ट्रैक कर रहे थे वो चीज़, तो मतलब पूरा रेड रेड हो रखा था बीच बीच में, तो वो सारा ही ट्रैफिक था मतलब। तो अगर हम निकलते भी तो अराउंड 2-3 तो बज जाते, मतलब वो कटरा पहुंचते पहुंचते, है ना। तो फिर ना बंदा आराम से रेस्ट कर पाता है ना कुछ। फिर रेस्ट करते फिर कब आगे जाते। तो अभी मॉर्निंग में निकल लेंगे हम। 150 किलोमीटर है यहाँ से कटरा। तो आइए चलते हैं और ले चलते हैं आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा दर्शन करवाने डिजिटल माध्यम से। तो लाइक कीजिए इस व्लॉग को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर पाए डिजिटल वे से हमारे साथ। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। पहले तो गाड़ियाँ चेक कर लीजिए, पूरी चमक रही हैं। ओस जमकी हुई है जैसा बारामूला में हुआ था, वैसे ही सेम डिट्टो भी। इसमें पानी डाला मैंने विंडशील्ड पर। ये पूरी ऊंस है, मतलब जैसे ग्लिटर होता है ना, ग्लिटर वैसे जमक रही है पूरी। तो जी चलने से पहले गाड़ी को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करना चाहिए, तो अभी थोड़ा इंजन गर्म करने के लिए कर दिया स्टार्ट। और टाइम हो चुका है 6:40, तो बस निकलने वाले हैं हम 5-10 मिनट में। ये साहब ले आए हैं बोतल गर्म पानी की। तो जी अभी हम हाथ गर्म कर रहे हैं, दोनों में गर्म पानी है बोतल्स में, तो थोड़ा थोड़ा हाथ गर्म कर लिया जाए क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तब तक गाड़ी भी थोड़ी गर्म हो जाएगी और फिर निकलेंगे। कल भी हमने 7 बजे स्टार्ट करा था बारामूला से श्रीनगर के लिए, तो आज भी हम सात से पहले ही 10 मिनट कर देंगे स्टार्ट ट्रैवल करना। बोलो ज्वाला माता की जय, ज्वाला माता की जय, ज्वाला माता की जय, बोल शंकर भगवान की जय। तो आज है मंडे और साहब का तो फास्ट है आज, है ना साहब? बिल्कुल भोले बाबा का 1 किलोमीटर है। तो धीरे धीरे चलते हैं अभी कुछ देर के लिए, आफ्टर दैट स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पे भी कल ये जो लोकेशन है काजी गुंड, यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक जैम लग रखा था। तो ये तो ठीक है कि मतलब होटल मिल गया हमें, बाकी कोई दिक्कत वाला ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से रामबन 72 किलोमीटर है और जम्मू है 223, बट हमें 150 किलोमीटर ही आज जाना है, क्योंकि हमें जाना है कटरा वाली साइड में श्री माता वैष्णो देवी के भवन, माता रानी के दर्शन करने। तो आइए आपको भी ले चलते हैं सीधा कटरा
और दिखाते हैं आपको बीच में काफी कुछ है देखने वाला, लाइक काफी ज्यादा टनल्स आएंगी। जाते टाइम हमने ना यहाँ पे चाय पकोड़े खाए थे काजीगुंड। ये ना थोड़ा लिंक रोड था काजीगुंड वाला, पुराना रोड है ये, पुराने वाला रोड है ये। और यहाँ से अभी हम सीधा टच करेंगे नेशनल हाईवे जो कि जम्मू श्रीनगर है। तो जी ये है नेशनल हाईवे 44। तो जी अभी हम टनल एंटर करने वाले हैं, फुल रोशनी है यहाँ पे, लाइट जो हेडलाइट्स हैं वो जलाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी लग रखे हैं। ये तो अभी पहली टनल है, अभी काफ़ी टनल्स आने वाली हैं आगे आगे, तो बने रहे ब्लॉग में, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस ब्लॉग में, और इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी मिल जाएगी रोड की भी जो कि श्रीनगर से जम्मू। अभी टनल के बाहर निकल चुके हैं, अराउंड 8.5 या फिर 9 किलोमीटर की टनल थी, तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और तो जी सुबह जल्दी निकलने का यही बेनिफिट है कि रास्ता एकदम खाली होता है और ज़्यादा मतलब इतना ट्रैफिक भी नहीं होता, तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम निकले हैं और मतलब टाइमली अपनी जो डेस्टिनेशन है कटरा वहाँ पहुँच जाएंगे और साथ ही हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे भवन के लिए। 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए। तो जी देख सकते हो यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक रफ जैसा लैंडस्लाइड होता रहता है बीच बीच में, क्योंकि ये रोड भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है समझो इसको। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पे कोई पता नहीं चलता कि मतलब कब स्लाइड होके नीचे पहुंच गई है सड़क में। मेन है ना वो तो सही है, बट जो बीच का कुछ रास्ता है ना वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी एक और टनल आती हुई, ये है दूसरी टनल, फर्स्ट टनल आपको दिखा दी थी। इस तरह की टनल्स हिमाचल में भी बनने वाली हैं, मतलब काफी डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है टनल के रास्ते से। तो लीजिए फाइनली एक और टनल आती हुई, दो टनल्स हमने क्रॉस कर दी थी और ये तीसरी टनल है। पूरा अंधेरा, पूरा ही लुफ्त उठाइए इन बेहतरीन नज़ारों का डिजिटल माध्यम एनकेसी ब्लॉग से। सो देखिए किस तरह से यहाँ पे रोड में कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड ऊपर से बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्होंने क्या किया हुआ एक तरह का शेड डाल दिया हुआ है और जो रास्ता है वो इसके बीच बीच से निकलेगा। तो जी एक के बाद एक और टनल, फुल नजारे हैं भाई टनल में, मतलब रोड जो है वो बाईपास हो जाता है, काफी ज्यादा रोड जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस होगा वो शॉर्ट डिस्टेंस में बदल जाता है, पहाड़ियों के बीच में से काट के रास्ता बनाया गया है। तो भाई रास्ते एकदम मस्त वाले हैं यहाँ पे। भाई ये है कुछ रास्ता बीच में टूटा फूटा, मतलब गड्ढे ज़्यादा हैं और बस ये थोड़ा बीच बीच में स्ट्रेच कोई किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का, इसमें कि रोड ख़राब है, मतलब बीच बीच में है, 2-3 जगह है ऐसा। सो गाइस रास्ते में अपना इंजॉय करते हुए मैं और बलवंत साहब, तो अभी हम बीच रास्ते में ही है। ये
रास्ता एकदम मक्खन है, बट यहाँ पे ना साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो जो सारा ट्रैफिक है ये शिफ्ट कर रहे हैं बीच बीच में। और आगे एक टनल, एक और आ गई हुई है, तो टनल भी दिखाते हैं आपको। तो जी फाइनली ट्रक्स के पीछे पीछे हम एंटर होते हुए एक प्यारी सी टनल में। तो हेडलाइट ऑन कर लेते हैं, पहले तो मैंने हेडलाइट ही चलाई हुई थी पिछली वाली टनल में, तो एकदम घोर अंधेरा। अगर मैं लाइट्स बंद कर दूँ ना तो मतलब टोटली अंधेरा है इस टनल में, वही फुल बीम किया हुआ है। तो वहाँ ट्रक ट्रक की फाइट होती हुई कि कौन क्रॉस पहले लेगा, तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ट्रक्स, क्योंकि हम नहीं रिस्क ले सकते आगे से भी गाड़ियां आ रही होंगी। तो जी एग्जिट कर चुके हैं चैनल की तरफ रवाना होते हुए, तो सब क्या क्या खाएंगे और क्या क्या पियेंगे आप, वैसे तो साहब का फास्ट है बट पूछना हमारा फर्ज है। तो साहब सुबह निकलने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ मेरे को ये बताओ। वही तो हम भी कल भी बात कर रहे थे जी कि सुबह निकलना जो है, बिल्कुल सुबह उठना कितना जरूरी है, जल्दी जी, सुबह की हवा फ्रेश, लाखों की दवा, बिल्कुल जी प्रशांत मुखर्जी। तो जी एक और टनल, टनल के बाद टनल, टनल के बाद टनल, टनल के नजारे लगे हुए हैं। नहीं यहाँ पे कुछ ब्लिंक कर रहा है, टू वे टनल है, मतलब इसमें हम पास ले नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते मतलब किसी गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे साइड में डिवाइडर लगा हुआ है। बीच बीच में कुछ लोकेशंस रखी हैं, अगर आपको बाई चांस यू टर्न लेना पड़ सकता है तो उन्होंने थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है यू टर्न लेने के लिए। गाइज एंटर तो हो चुके हैं टनल में, बट यहाँ पे एग्जिट का नामो निशान ही नहीं पता चल रहा है। अराउंड 5-6 किलोमीटर तो आ ही चुके होंगे, और अभी पता नहीं कितना और चलना होगा, वैसे काफी लंबी टनल है ये। और जहाँ भी लोग काफी प्रशंसा कर रहे थे कि कह रहे थे कि पिछले कई वर्षों जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, डेवलपमेंट का नाम ही नहीं था, लेकिन जैसे मोदी आए हैं काफी कुछ चेंज हो गया है। ये तो उन्होंने जो है डेवलपमेंट, इतनी डेवलपमेंट की है, इतनी डेवलपमेंट की है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा हो गई है डेवलपमेंट। और अभी जो है टूरिस्ट भी काफी आने लगे हैं, तो हमारे जो है जो कारोबार ठप पड़े हुए थे कई वर्षों से, तो उन पर भी काफी सुधार आया है। तो काम चला हुआ था, इतना काम चला हुआ था, हम सोच रहे थे कब पूरा होगा, कैसे होगा ये, लेकिन अभी जो है देखो उस टाइम तो बुरी हालत थी और इतना कीचड़ हुआ था, इतना बुरा कुछ, लेकिन जब ये रोड बन गया है तभी देखो इसकी शान, मक्खन गाड़ी भी पूरा मक्खन चल रही है। नहीं क्या प्राउड फीलिंग हो रही है हमें भी जहाँ पे आते हुए, एक फ्री स्टाइल में जो है जहाँ घूमते हुए हम जो है आए हुए हैं, और जहाँ तक कि हम जो है जो सबसे खतरनाक जो श्रीनगर के इलाके थे, जिसमें उसके बाद अनंतनाग, उसके बाद हो गया जी बड़गांव, इसमें हम बिना किसी डर के घूमे हैं। ये तो एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे जो है इतना मुश्किल था जिंदगी बसर करना कि बात मत पूछो, इतना दबदबा था इनका टेररिज्म का। टेररिज्म सच पूछो तो टेररिज्म ने जो है कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, और शुक्रगुजार हैं हम उस प्रभु के जिन्होंने इनको हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाया है। हम भी अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। और इसके साथ जो हमें कई बार जो है हमने फॉरन में भी टूर किए हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, वहाँ पे गए, एक लोकेशन पे रुके हैं अभी हम, यहाँ पे है लोकेशन का नाम है कुद, तो अभी साहब गए हुए मिठाई लेने, तो
मिठाई ले लेते हैं घर वालों के लिए स्पेशल, जो देसी घी से बनी होती है। और फिर चलते हैं आगे कटरा वाली तरफ। तो भाई व्लॉग इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी एक डिजिटल वे में श्री माता रानी वैष्णो देवी जी के दर्शन हो सकें। और मैं ऐसा करूंगा कि पार्ट वाइज जो व्लॉग अपलोड करूंगा, एक पार्ट में मैं डाल दूंगा श्रीनगर का, और एक पार्ट में डाल दूंगा मैं जो हमने ट्रैवल करा है श्रीनगर से जम्मू कटरा तक का, और एक में डाल दूंगा यात्रा श्री माता वैष्णो देवी जी की, जो कि बाय ट्रैक होगी। और रास्ते में बट पता नहीं चला कहाँ से आ गई एकदम से, बट ये फोग नहीं है, ये है यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज हैं, धुआं है तो यहाँ पे सारा मतलब मिक्स हो रहा है वो रास्ता। तो हर जगह आप देख सकते हो पूरा वाइट वाइट सा हो गया है, मतलब ब्लैकिश ब्लैकिश। तो अभी हम कुछ ही देर में कटरा पहुंचने वाले हैं, अराउंड 30 या फिर 38 किलोमीटर बचा हुआ है। सीधा आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ है, इसी पहाड़ में माता जी का दरबार है, और ये पूरा ट्रैक है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो अभी कुछ ही दूर बचा है कटरा, यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है, और काफी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पहाड़ जो है वो दिखना स्टार्ट हो चुके हैं हमें। काफी सुंदर सीनरी है यार। माता रानी ऐसे फूल सब तेरे जोश भांगू ते। सो जी बोर तो नहीं हो गए आप? तो फाइनली कुछ ही दूर बचा है कटरा, और यहाँ पे जो श्री माता वैष्णो देवी जी का ट्रैक है वो दिख रहा है, यहाँ से पूरी पहाड़ी दिख रही है। तो काफी अच्छा मतलब व्यू है यहाँ पे, फोटो वगैरह खींच रहे हैं साहब। तो अभी जस्ट भाई कमेंट वगैरह कर दिया करो यार, ताकि मेरे को भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन रहे और आने वाले व्लॉग्स में काफी अच्छा करके दिखाऊं, अच्छा अच्छा आपको डिजिटल माध्यम से अच्छी अच्छी लोकेशंस एक्सप्लोर करके दिखाऊं। तो जी ठीक मेरे सामने श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से आप नज़ारा देख ही सकते हो, काफी प्यारा व्यू है, काफी प्यारा। सो जी ये रहा श्री माता वैष्णो देवी जी का ट्रैक, और अभी हम कुछ ही दूरी पे हैं, और यहाँ से रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है, कटरा रेलवे स्टेशन ये सामने, ठीक सामने यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। तो अभी चलते हैं सीधा, आगे बढ़ते हैं और गाड़ी को लगाते हैं कहीं पार्किंग में, और उसके बाद निकलते हैं सीधा माता रानी के दर्शन करने।